दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 11 की समतुल्य भिन्न बनाना। आइए देखते हैं इसके प्रश्न को, इसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है। देखिए पहला प्रश्न दिया है, यदि तुम किसी संख्या को में जोड़ते हो तो तुम्हें 4 मिलेगा। तो ये प्रश्न कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसलिए हम इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं। यदि तुम किसी संख्या को 3 में जोड़ते हो तो 4 मिलेगा, ऐसा है मान लो। तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 3 धन x बराबर 4। तो यहाँ पर हम 3 को पक्षांतर करके एक से कमान एक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे x बराबर 4 ऋण 3 बराबर 1। तो इस प्रकार से, या उसको भिन्न में भी ले सकते हैं हम। यदि किसी संख्या में हम 1/2 जोड़ते हैं तो, या फिर 4 प्राप्त होता है, तो संख्या हम इस प्रकार से यहाँ पर कुछ लिख कर, यदि तुम किसी संख्या को में जोड़कर, तो को और में के पहले हमको कोई संख्या लिखना होगा, तभी ये वाक्य कंप्लीट होगा। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर, 3 आधे हिस्से मिलकर इसे बनाते हैं, तो 3 आधे हिस्से को मिलाकर क्या बनेगा, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ये देखिए मैं 3 आधे हिस्से ले रहा हूँ। ये पहला आधा हिस्सा है किसी पूर्ण इकाई का, इस तरह से एक पूरा इकाई था जिसमें का आधा मैंने लिया है, और एक आधा हिस्सा ये है, दोनों मिला के बन गया 1, और एक आधा हिस्सा ये है वैसे ही इकाई का, और एक आधा हिस्सा ये है। तो देखिए आप 1, 2, 3, 4 आधा मिला के 2 पूर्ण इकाई बना है। हमको कहा गया है 3 आधे हिस्सों को मिलाकर बनता है, तो क्या बनता है, देखिए 3 आधे हिस्से को मिलाकर 1 पूरा और 1 आधा, यानी कि 1/2, या हम इसको 1.5 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 आधे हिस्से को मिलाएंगे। देखिए 1 आधा हिस्सा धन 1 आधा हिस्सा 3 आधा हिस्सा बराबर ही हो जाएगा। तीनों का जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा नीचे, 2 और 1, 2, 3, 3/2। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 3/2, 3/2, 3 का आधा मतलब 1.5। इस प्रकार से यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। देखिए 1 पूर्ण और 1 आधा, 1.5। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 3 दिया, यदि तुम 3 में से घटाते हो तो तुम्हें कौन सी संख्या मिलेगी। 3 में से किसको घटाते हैं, तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है, ये जो दूसरा जो प्रश्न है 3/2 या 3 आधा को 3 में से घटाएंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, ये पूछा गया है। उसके लिए हम लेते हैं 3 पूर्ण इकाई लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 पूर्ण इकाई ये है, 1 पूर्ण इकाई ये है, और 1 पूर्ण इकाई ये है। इन तीनों पूर्ण इकाई को यदि हम आधा आधा बांटे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें ये भी 2 भाग में बटेगा बीचों बीच, तो कुल मिला के 6 हिस्से होंगे। अब चलिए प्रश्न अनुसार हम इन 3 में से 1.5 निकालते हैं। 1 आधा निकाल दिए, देखिए 3 आधा निकालना है ना, फिर 2 आधा निकाल दिए और 1, 3 आधा निकाल दिए। इस प्रकार से बचा हमारे पास कितना, 1 और आधा, यानी 1/2, या इसको हम 3/2 भी कह सकते हैं, यानी 1.5 हमारे पास बचा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 ऋण 3/2। तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 2। 2 से 2 को भाग देंगे, 2 दुनी 2 एकम 2, और 1 को यहाँ गुणा करेंगे 3 में, ये हो जाएगा हमारा, यानी 1 से 2 को हम भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 से 3 को गुणा करेंगे, 3 दुनी 6 ऋण, यहाँ 2 से भाग देंगे 2 को, 1 बार गया, और 1 को यहाँ गुणा करेंगे 3 से, तो 1 किया 3 बराबर आ गया हमारा 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3 आधा, वही हमारा आ गया। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का समान भिन्न 10/5 है, तो 10/5 कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर 1 तो हमारा पूर्ण इकाई होगा जो 5 बराबर भागों में बटा होगा, 1, 2, ये 5 बराबर भागों में बटा है, ये हमने पाँचों हिस्सा ले लिया है पूरा, और पाँचों हिस्से के पूरा हमको लेना है। ठीक उसी प्रकार से एक इकाई और होगी,
और वो भी पांच बराबर हिस्सों में बटी होगी, उसको भी लेना है पूरा। एक दो तीन चार पाँच, ये भी पूरा हो गया, इसको ही पूरा लेना है ऐसा। तो ये हमारा होगा पाँच बटे पाँच, ये वाला भी होगा हमारा पाँच बटे पाँच। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का यहाँ पर पाँच को पाँच का लघुत्तम होंगे पाँच, और ऊपर वाला पाँच पाँच जुड़ जाएगा, पाँच धन पाँच बराबर दस बटे पाँच, यानी कि दस बटे पाँच का मान आएगा हमारा यहाँ पर दो। तो देखिए दो है यहाँ पर, एक पूर्णिका ये है एक, और एक पूर्णिका ये है, तो कुल मिला के हमारा हो गया दो। इस प्रकार से समान भिन्न का मतलब होता है दोस्तों ऐसा भिन्न जिसका हर एक हो। तो देखिए यहाँ पर दो का भिन्न, दो का नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब एक। तो ऐसा भिन्न जिसका हर एक है और उसको हल करने के बाद वही संख्या प्राप्त होती है हमको जो पहले दिया हुआ है। यानी भिन्न में देखिए, जैसे कि आप पाँच बटे पाँच को आप हल करेंगे तो एक आएगा, पाँच बटे पाँच को यहाँ पर हल करेंगे तो एक आएगा। ये जो दो है वो समान भिन्न है, क्योंकि दो को यदि हम दो बटे एक लिख के भी हल करेंगे तो भी दो ही आएगा। तो इसको ऐसे हल करना है। ये देखिए लिखा है कि एक मिश्र भिन्न है जिसको असमान भिन्न बदलना है, विषम भिन्न बदलने पर पाँच बटे दो आता है, ऐसा लिखा है। तो पाँच बटे दो किसको हल करने पर आएगा, या तो पाँच बटे दो को हम भाग दे लेंगे पहले ऐसे, ये दो दूनी चार बज गया एक, अब इसको हम लिखेंगे दो से ही एक बटा दो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दो दूनी चार और एक पाँच बटे दो, यही आ गया फिर। तो किसको हम ऐसा लिख सकते हैं बोला है इसमें, तो दो से ही एक बटे दो को हम इस भिन्न के रूप में, असमान भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये मिश्र भिन्न है, दो से ही दो, दो से ही एक बटे दो, उसको हम असमान भिन्न यानी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न के रूप में पाँच बटे दो के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 24 के एक आधे का तीन चौथाई बोला गया है, तो 24 का आधा क्या होगा, 24 का आधा होगा हमारा 12, 12 का तीन चौथाई क्या होगा, तीन बटे चार। तो ये हो जाएगा पर हमारा तीन चार या 12 यानी कि तीन गुना तीन बराबर नौ। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर होगा। कैसे जाने कैसे पहचाने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके जवाब में आपको बच्चे अपने सोचकर विचार देंगे। इसी प्रकार से इस जो कार्यपत्रक है उसके सभी सवाल को बनाना है। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 12 की इकाइयों में आपसी संबंध। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, सैकड़ा की जगह वाले चार का मान दहाई की जगह वाले चार का मान में कितना गुना है। सारे सवाल इसी प्रकार से मान पूछ रहा है, इसको तो बनाना थोड़ा आसान इसलिए होगा क्योंकि हम 18 दिन के कोर्स में ऐसे सवालों के बारे में चर्चा किए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहले देखते हैं, पहला सवाल के बारे में बताते हैं आपको, सैकड़ा की जगह वाले चार का मान। तो सैकड़ा की जगह में यहाँ पर तीसरे स्थान का चार है, दहाई की जगह वाले चार के मान से कितना गुना, तो स्वाभाविक है यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 गुना, क्योंकि वो हर स्थान जो है जैसे जैसे हम इधर से दाएं से बाएं की ओर जाते जाएंगे वो अपने पहले वाले संख्या से 10 गुना होते जाएगा। जैसे इकाई की संख्या से दहाई 10 गुना होता है, दहाई की संख्या से सैकड़ा 10 गुना होता है, सैकड़ा के स्थान वाले संख्या से हजार वाला जो है वो 10 गुना होता है। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार के एक मॉडल का उपयोग कर सकते हैं जिसको हम टीएलएम कहते हैं। टीएलएम देखिए यहाँ पर दो 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 सभी जगह दो 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 है, इस दो के स्थानीय मान जो है वो दो है। इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देखेंगे तो इसके नीचे हमको शून्य दिखेगा, यानी कि सेकंड वाला जो दूसरा नंबर का दो है उसका मान जो है वो 20 के बराबर है, यानी कि दहाई का दो है। फिर इसी प्रकार से सैकड़ा का जो दो है वो 200 दिखेगा आपको, फिर हजार का जो दो है वो बच्चों को दिखाने में आसानी होती है कि भाई ये 2000 देखिए इसके पीछे देखिए क्या है, हम दो को सरका सकते नहीं ब्लैक बोर्ड में, इसलिए यहाँ पर हम दिखा सकते हैं बच्चों को ऐसे सरका के एक साथ सबको कि भाई देखो ये देखो 2000 10000 की जगह में यहाँ पर ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 और ये वाला जो दो है वो लाख के स्थान पर है, देखिए ऐसा। इस प्रकार से हम बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करें तो टीएलएम के माध्यम से भी आसानी से समझा सकते हैं, फिर उनको समझ में आएगा कि कौन सा स्थान पर क्या है, कौन से स्थान पर क्या है और कैसे हम उसको आसानी से बता सकते हैं। ये वाला दो जो दिख रहा है वही इसके पीछे कोई शून्य नहीं लिखा है, मतलब इकाई का दो है ये और इसका स्थानीय मान दो है,
इसका जो दो, इस द्वारा दूसरे नंबर का दो का स्थानीय मान क्या है, देखिए यहाँ पर 20 है, तीसरे नंबर का जो है वो दो है उसका स्थानीय मान 200 है। इस प्रकार से हम बच्चों को दिखा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको, ज़रूर अच्छा लगा होगा, हमें बताइएगा ज़रूर, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।